जय मिताली दोस्तों, एक ऐसे में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोग साउंड टेस्ट करने वाला पंकज के ट्रॉली स्पीकर्स या पंकज के ट्रॉली होम थिएटर्स जो भी आप बोल सकते हो उसकी साउंड टेस्ट करने वाला हूँ। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बातें बता दूँ, जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट में आपको क्या सारी चीज़ें मिलती है, क्या सारे फंक्शन मिलते हैं। तो सामने की तरफ अगर देखें, नीचे की तरफ दोस्तों पंकज की ब्रांडिंग दी गई है और सामने में आपको 15 इंच का सब ऊपर लगाया गया, बट इसकी वाटेज क्या है ये कहीं मैंशन नहीं किएगा, तो मैं आपको स्पेसिफिक नहीं बता सकता कि कितनी वाटेज की है, बट ये 15 इंच की सबवूफर लगाई गई है। और सामने में देख सकते हो मेटल की ग्रिल की प्रोटेक्शन भी दी गई है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। उसको ऊपर देखें तो दोस्तों यहाँ पे बेस रिफ्लेक्स पोर्ट दिया गया है, और उसको ऊपर देखें तो यहाँ पे सारी नॉब्स वगैरह दी गई है, जिसमें कि आपको पहला ऑन ऑफ का स्विच मिलता है। उसके बाद देखिए तो माइक की वॉल्यूम है, माइक की बेस है, ट्रेबल है, इको है, और बेस ट्रेबल वॉल्यूम भी दिया गया है जो कि अदर इनपुट्स पे काम करेंगे, जैसे माइक को छोड़ के जैसे आपको यूएसबी हो गया, ब्लूटूथ हो गया, इस पर काम करेंगे। तो यहाँ पे नीचे की तरफ देखें तो कुछ बटन्स दिए गए हैं, जैसे इनपुट का बटन है, रिपीट है, प्ले पॉज है, प्रीवियस नेक्स्ट और रिप्ले है। साथ में डिस्प्ले भी दिया गया है, और यहाँ पे यूएसबी एसडी कार्ड का स्लॉट भी दिया गया है। साइड की तरफ देखें तो यहाँ पे हैंडल्स दिए गए हैं दोनों तरफ में, जिससे आप इसको लिफ्ट कर सके। पीछे की तरफ देखें तो कुछ पोर्ट्स दिए गए हैं, बहुत सारे हैं, जैसे ऑडियो इनपुट है, ऑडियो आउटपुट है, बट पता नहीं ऑडियो आउटपुट में क्या लगेगा यार, हो सकता है कोई स्पीकर्स वगैरह आप ऐड कर सकते हैं। उसके नीचे देखें तो बैटरी के इंडिकेशन दिए गए हैं, नीचे में FM एंटेना भी दिए गए। उसके साइड में देखें तो यहाँ पे दो माइक के इनपुट्स दिए गए, और तीसरा वाला जो है वो गिटार का इनपुट लिखा गया, तो ये काफ़ी अच्छा है। आपको यहाँ पे बहुत सारे इनपुट्स भी मिल जाते हैं। पावर का बटन दिया गया है, आप चाहे तो करंट से चला सकते हैं, और अगर चाहे तो बैटरी से भी चला सकते हैं। DC से अगर चलाना है तो बैटरी चार्ज होनी चाहिए तो ही चलेगी। और पैकेट के अंदर आपको कॉर्ड मिल जाता है AC इनपुट का, उसको लगा के आप पावर दे सकते हैं। नीचे में देखें तो मूव करने के लिए व्हील्स लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है, और काफ़ी मतलब बढ़िया क्वालिटी के भी लग रहे हैं। और इसको ट्रॉली करने के लिए हैंडल भी दिया गया है, जिससे आप इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। बट हाँ, एक बात है कि ये प्रोडक्ट काफ़ी हैवी है, शायद इसमें बैटरी है और 15 इंच का सबवूफर लगाया गया है, जिससे ये थोड़ी सी हैवी हो जाती है, और जो बैटरी के बैकअप वो करीब 3-4 घंटे की बताई जा रही है। तो चलिए एक दो गाने बजाते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। हिसाब ना हस दिया वो लग दी पंजाब दिया, जिस हिसाब ना तक दिया दिल्ली दा नखराया, स्टाइल ओदा वखराया, बॉम्बे दी गर्मी वांग नेचर ओदा अधराया, लंदन तो आई लग दिया जिस हिसाब ना चल दिया, लंदन तो आई लग दिया। तो जैसा कि आप लोगों ने इसके साउंड सुने दोस्तों, यहाँ पे जो साउंड की क्लैरिटी है, अगर बात करें क्लैरिटी की, तो यहाँ पे क्लैरिटी काफ़ी अच्छी आ रही है, वोकल्स बहुत क्लियर है और अच्छे समझ में आ रहे हैं, और लाउडनेस भी अच्छा है। हालांकि मैंने इसको फुल वॉल्यूम पर नहीं चलाया था, क्योंकि यहाँ पे आसपास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी जगह फुल वॉल्यूम पर चलाने से, तो इसकी फुल वॉल्यूम पर नहीं चला पाया, बट इसकी साउंड क्लैरिटी लाउडनेस दोनों ही काफ़ी अच्छे है। बात करें बेस की, तो बेस यहाँ पे 15 इंच के हिसाब से बेस इफेक्ट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, बट हाँ इसके वूफर की क्वालिटी अच्छी लग रही है, और बेस का इफेक्ट भी काफ़ी क्लियर है। क्लैरिटी लाउडनेस और बेस पूरी तरह से बैलेंस्ड है, वोकल्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, और ये प्रोडक्ट पूरी ABS की बनी है, और वो भी हाई क्वालिटी ABS की है। बात रही इसके प्राइस की, तो ये करीब 10,000 के आसपास के रेंज में आता है। प्राइस के हिसाब से प्रोडक्ट तो उन लोगों के लिए है जो पोर्टेबल स्पीकर्स और होम थिएटर लेना चाहते हैं, जिसको वो मूव कर सके और साथ में DC यानी बैटरी से भी चला सके। तो दोस्तों ये थे मेरा आपको साउंड टेस्ट पंकज के ट्रॉली स्पीकर्स की। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको जरूर से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जो भी क्वेश्चंस वगैरह है, जो भी कुछ बताना है मेरे को, तो आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।